नहीं हुआ था सर। सर 2016 की बात है, मैं बस एक मॉल से निकल रही थी सर, रास्ते में मुझे एक आदमी मिले तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके हाथ पे क्या हुआ है, तो मैंने बताया बाय बर्थ है। तो वो गौरव खन्ना सर थे जो हमारे हेड नेशनल कोच हैं इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होता है, ऐसे पैरा बैडमिंटन भी है उसमें, और आप बहुत यंग हो और आपको खेलना चाहिए। उस टाइम पे सर हम जानते नहीं थे स्पोर्ट के बारे में, तो फिर जस्ट नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कहाँ एक तरफ सोसाइटी सर हमेशा यही बोलती है कि आप कर नहीं सकते स्पोर्ट्स, आपको लग जाएगी करके, एंड लड़की हो इसीलिए आपको करना नहीं चाहिए, एंड वहीं पे एक इंसान जो बोल रहे हैं कि आप यही इसी के लिए बने हो। तो ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था सर। फिर उसके बाद सर टॉपिक ऐसे ही शांत हो गया था 7-8 मंथ्स के लिए। फिर स्कूल में स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन था, वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स के लिए ट्रायल्स के लिए गई, तो मेरे को टीचर ने साइड पे कर दिया और बोला कि बेटा ऐसे हैंडीकैप कोटाज वगैरह होते हैं लोग विद डिसेबिलिटी के लिए, तो आप उसमें आप पढ़ाई पे ध्यान दो और फिर अच्छा जॉब वगैरह मिलेगा तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकोगे। सो इस पीरियड पे सर ऐसा लगा कि अब खुद को प्रूव करना जरूरी हो गया है सर। अगर मैं प्रूव नहीं करूंगी, अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी, तो देश की बाकी लड़कियों को भी कुछ रास्ता नहीं मिलेगा कि वो भी कर सकते हैं। तो फिर मैं घर जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा आप कांटेक्ट ढूंढिए, मेरे को खेलना है, मेरे को ट्राई करना है पैरा बैडमिंटन। तो मेरे पापा को बोला, वो लोग भी बहुत सरप्राइज थे कि अचानक कैसे बोल रही है। तो फिर पापा ने कांटेक्ट ढूंढा और फिर वेरी नेक्स्ट वीकेंड फिर पापा की सर से बात हुई, हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट ढूंढा, एंड फिर मैं लखनऊ आ गई और सर तभी से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, रैकेट पकड़ना सीखा, फिर धीरे धीरे टारगेट्स बनते रहे। फिर 2019 में मैंने पहला नेशनल्स खेला अपना, जहाँ पे सर ने मुझे टारगेट दिया था कि तुम्हें नेशनल चैंपियन जूनियर ही नहीं बल्कि सीनियर का भी बनना है। तो धीरे धीरे वो सारे टारगेट सर अटेन करती गई और फिर ओलंपिक्स तो सर हर एथलीट का ड्रीम होता है, तो बस उसी को क्वालिफाई करना था। तो फिर उस टाइम पे टारगेट्स थोड़े से ब्लर दिखता था, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में कोई रैंक ही नहीं था स्टार्टिंग जब हुआ था पैरालंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट्स का। बट सफर तो यही था कि ओलंपिक्स खेलना है और देश का नाम रोशन करना है, पर इतनी जल्दी सर ये सफर तय कर देंगे ये नहीं पता था। और फिर वल्लभ ट्रेनिंग जी, चलती रही। मैं आपके परिवार को देख रहा हूं, उनके चेहरे पर जो संतोष है, आपके नमस्कार परिवार को सर, प्रणाम प्रणाम मेरा। साहब जी, और मैं जय हिंद। बहुत गर्व गर्व से देख रहा हूं उन सबको। पलक जी, आपने कोविड के दौरान भी ट्रेनिंग रोकी नहीं। माँ बाप को भी चिंता रहती होगी कि ये कोरोना के कालखंड में भी अपना काम छोड़ नहीं रही है। घर से दूर, और वो भी लखनऊ में ट्रेनिंग करती रही आप। देश के सामने को आपने ज्यादा महत्व दिया। इतनी कम आयु में इतनी प्रेरणा कैसे मिली? आपने कैसे खुद को तैयार किया? और आज भी मैं देख रहा हूं तो एकदम फ्री हो, खुश खुशहाल हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। जी सर, सर जब लॉकडाउन हुआ था तो सर थोड़ा सा डर था कि घर जाने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी सर मैं घर वैसे ही बहुत कम जाती हूँ, तो घर से भी बहुत आता है कि तुम अभी तक न्यू ईयर पे आई थी लास्ट, दिवाली पे आई थी लास्ट, अभी आती नहीं हो। तो सर उस टाइम पे कोविड सिचुएशन ही ऐसा था, बट सर एक साइड पे ये भी पता था यहाँ रहूंगी तो सर कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएंगे ही हमारी ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग रुकेगी नहीं। तो गौरव सर ने हमारा ऑल्टरनेटिव बनाया था, हम लोग आउटडोर कोर्ट्स में खेलते थे, बैडमिंटन एक इंडोर स्पोर्ट है, फिर भी हम लोग आउटडोर, कभी धूप तेज धूप होती थी, बारिश होती थी, कोर्ट्स भी गीले होते थे, तो हम लोगों ने हर परिस्थितियों में खेला सर। और पापा और पेरेंट्स को भी पता था कि सर वहाँ पे है तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। सो एक ये बहुत बड़ी चीज थी कि ऐसे गुरु और ऐसा सपोर्ट मेरे साथ था जिसने मेरे को ट्रेनिंग करने से भी एकदम फोकस रहने को भी कहा, और दूसरी तरफ सर एक फैमिली जैसा माहौल यहाँ पे, हम सब पैरा एथलीट्स में है, हम लोग सब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारी यहाँ पे भारत की फर्स्ट प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन एकेडमी भी है, गौरव खन्ना एक सीलिया बैडमिंटन एकेडमी सर, जहाँ पे हम लोग सब एथलीट्स
इतने एकदम फैमिली जैसे खेल रहे हैं हम लोग, प्रमोद भी या मनोज भी, हम सब लोग, तो फील ही नहीं होता कि घर से दूर हैं। और सर देश ही तो सब कुछ है सर, उसके लिए अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। कहाँ लोग मुझे एक तरफ बोलते थे कि मेरी डिसेबिलिटी के कारण मैं कुछ कर नहीं सकती, आज वही डिसेबिलिटी मेरी एक सुपर एबिलिटी बन गई है, जिससे मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपने देश को इतने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे सर रिप्रेजेंट करने की। तो सर डेफिनेटली अपना बेस्ट तो देना ही है और इसीलिए तो मैं दिव्यांग शब्द प्रयोग करता हूँ, इसके पीछे मेरा यही भाव है। अच्छा पलक, मुझे बताया गया कि आपको हाल में एक बीमारी की वजह से बैडमिंटन से कुछ महीने दूर रहना पड़ा, फिर आपने शानदार वापसी की। उस समय आप खुद को कैसे समझा रही थी, कैसे अपने आप को संभाल लिया आपने? सर हमारे टूर्नामेंट्स चल रहे थे क्वालिफिकेशन के लिए, BWF रैंकिंग इवेंट्स चल रहे थे पैरालंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए। उसी के बीच में सर मेरे को लेफ्ट मेरी लेग में काफ में बोन मैरो एडिमा हो गया था, जिसके कारण मेरे को 3-4 मंथ्स का बेड रेस्ट भी बोला गया था सर। तो वो पीरियड ऐसा था कि सर पता नहीं था कि क्या करना है, बट ऑन द सेम हैंड सर ने स्पेसिफिक प्लान करा कि हम लोग ऐसे ऐसे इवेंट्स खेलेंगे। 2-3 इवेंट्स भी सर ने ड्रॉप करवाए मेरे, ताकि हम लोग रिकवर भी कर सकें और साथ में बेसिक, जैसे कि हमने सर ने मेरे स्किल्स पे वर्क करा, क्योंकि ज्यादा सर चलना और भागना मना था, तो स्पेसिफिक स्ट्रोक्स और ताकि मैं नए ड्रिल्स सीखूं। और फिर सर जब मैंने वापसी करी कोर्ट पर, तो उन्हीं जो स्किल्स और आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स मैंने सर ने मुझे सिखाए थे, तो उसकी हेल्प से सर मैं जल्दी वापसी कर पाई सर। पलक आपकी उम्र बहुत छोटी सी है और आपके संकल्प बहुत बड़े हैं, देश के लोगों को भी आपकी इस हिम्मत, आपके अपने पक्ष के प्रति समर्पण, ये अपने आप में बड़ा गौरवपूर्ण है। आप परिणामों का दबाव लिए बिना रिजल्ट जो आए सो आए, शत प्रतिशत अपना बेस्ट दीजिए और मुझे विश्वास है कि आप जरूर सफल होगी। पलक कोहली से बात करेंगे। हाँ पलक जी नमस्ते सर। पलक जी नमस्ते, नमस्ते।